बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है पाकिस्तान अफेयर को, आज उसका लेक्चर नंबर 14 है। आज का जो टॉपिक है वो है मिंटो मार्ले रिफॉर्म 1909। फर्स्टली हम मूव करते हैं बैकग्राउंड ऑफ मिंटो मार्ले रिफॉर्म, तो वो कौन सी रीज़न थी जिसकी वजह से ये रिफॉर्म्स हुई या जिसकी वजह से ये रिफॉर्म्स करनी पड़ी। फर्स्ट जो रीज़न थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो उसका क्याम हो चुका हुआ था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वांट मोर रिफॉर्म्स एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑफ इंडिया। अब इंडियन जो नेशनल कांग्रेस थी वो क्या चाहती थी, वो रिफॉर्म्स लेके आए जाएं और उनकी अपनी गवर्नेंस इंडिया में कायम की जाए। द अर्लियर कांग्रेस लीडर वर मॉडरेट बट नो एक्सट्रीमिस्ट लीडर वर ऑन द राइज हु बिलीव इन मोर एग्रेसिव मेथड। अब जो कांग्रेस थी ना वो दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी थी, एक उसके थे मॉडरेट और दूसरा जो उसका हिस्सा बन चुका हुआ था वो एक्सट्रीमिस्ट थे। आप जो हुकूमत कर रहे थे वो एक्सट्रीमिस्ट कर रहे थे, तो वो जो थे वो एग्रेशन पर बिलीव करते थे, वो अग्रेसिव थे, मतलब वो जुल्म और इस चीज़ पर बिलीव रखते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड होम रूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1906। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ना 1906 में पहली दफ़ा कहा कि हमारी अपनी हुकूमत होनी चाहिए, बाहर वाले हम पर आके हुकूमत ना करें। इसी सिलसिले में गोपाल कृष्णा हेड ऑफ किसका था, एक्सट्रीमिस्ट लीडर, हेड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट का था। तो गोपाल कृष्णा जो था वो मेट मॉर्ले इन इंग्लैंड टू एम्फिसाइज द नीड फॉर रिफॉर्म। तो गोपाल कृष्ण ने अब कहाँ मॉर्ले से मिला इंग्लैंड में, और उसने किस चीज़ पर फोकस किया कि रिफॉर्म्स लेके आए जाए इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में। नेक्स्ट जो रीज़न थी वो थी पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब मुसलमानों को भी इस पर गुस्सा था कि पहले बंगाल को तकसीम किया गया और जब हम लोग प्रोग्रेस की तरफ जाने लगे तो उसको दोबारा से एनलमेंट कर दी गई थी। तो इसी सिलसिले में ये रिफॉर्म्स हुई थी। अब देखते हैं वो क्या था। लॉर्ड कर्जन हैड कैरीड आउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। अब लॉर्ड जो कर्जन था उसने डिवाइड किया पार्टीशन ऑफ बंगाल को, पार्टीशन की 1905 में, दिस लीड टू अ मैसिव अपराइजिंग इन बंगाल एज अ रिजल्ट। अब पार्टीशन तो हो गई, तो जब पार्टीशन हो गई थी, जैसे कि पहले लेक्चर में डिस्कस कर दिया कि हिंदुओं का जो बिहेवियर था और जो रिएक्शन था वो बहुत मतलब जारहाना किस्म का था, तो उससे क्या हो रही थी, अपराइजिंग शुरू हो रही थी। फॉलोइंग दिस द ब्रिटिश अथॉरिटी अंडरस्टूड द नीड फॉर सम रिफॉर्म इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। तो उसको देखते हुए कि उन्हें लगा कि हमें रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए, जो ब्रिटिश अथॉरिटीज थे ना उनको लगा कि हमें रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए ताकि हम इसे अपराइजिंग को कंट्रोल कर सकें। तो डेट्स वाई ये भी एक रीज़न थी कि मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स की। नेक्स्ट जो रीज़न है वो है लिबरल गवर्नमेंट। अब पहली रीज़न जो थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, सेकंड पार्टीशन ऑफ बंगाल, थर्ड जो थी वो लिबरल गवर्नमेंट। अब लिबरल गवर्नमेंट कैम टू पावर इन ब्रिटेन इन 1906। अब 1906 में जो थी इलेक्शन हुए बरतानिया में और कौन सी पार्टी जीत गई, लिबरल पार्टी जीत गई, एंड दैट चेंज द पॉलिटिकल एटमोसफियर। और वो क्या थी, वो एक मॉडरेट किस्म की तहरीक थी, पार्टी थी, और वो पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहती थी। अब यहाँ अब ब्रिटिश इंडिया में क्या था, हर तरफ गहमा गहमी थी, हर तरफ लड़ाई झगड़े थे, मुसलमान हिंदू से लड़ रहे थे, मुसलमान ब्रिटिश से लड़ रहे थे, हिंदू ब्रिटिश से लड़ रहे थे, तो अजीब सा एक माहौल, एक एटमोसफेयर क्रिएट हो चुका हुआ था। वो चाहते थे हम इसको चेंज करें और इसमें पॉजिटिव चेंजेस लेके आए। जॉन मॉर्ले वॉज अ मेम्बर ऑफ द लिबरल गवर्नमेंट। और जो जॉन मॉर्ले थे वो किसका मेम्बर था, लिबरल गवर्नमेंट का मेम्बर था, एंड ही वॉन्ट टू मेक अ पॉजिटिव चेंज इन इंडिया गवर्नेंस। और वो चाहते थे ये जो जिस तरह के हालात बने हुए हैं ना, तो हम इस तरह के रिफॉर्म्स लेके आएँ कि सब खुश हो जाए और अमन हो जाए। तो ऑल प्रीवियस ब्रिटिश अटैम्प्ट फेल एंड दे रियलाइज डैट इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस न्यू रिफॉर्म दे नीड टू इम्प्रूव द ग्रीवनेस ऑफ इंडिया। तो इस सिलसिले में उन्होंने देखा कि जितनी भी जो पहले की जो हुकूमत थी, पहले की जो गवर्नर गवर्नमेंट थी, वो क्या है, वो जितनी भी उन्होंने कोशिश की वो फेल हुई। तो अब उन्होंने क्या कहा कि हम ऐसी रिफॉर्म्स लेके आते हैं जिससे हम लोग इनसे जो भी इनको हमसे शिकायत है उनको मैक्सिमम हम दूर कर सकें। तो लिबरल पार्टी भी जो थी वो बहुत बड़ी एक पीछे रीज़न थी मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म के। नेक्स्ट जो रीज़न थी वो थी शिमला डेपुटेशन। अब
1906 में जब लिबरल पार्टी जीत गई और मुसलमानों को पता चला कि जो मिंटो मार्ले है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मिंटो मार्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उसने जब खताब किया यूके पार्लियामेंट में कि हम क्या करने लगे हैं, रिफॉर्म करने लगे हैं और इंक्रीज करने लगे हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन कौंसिल, तो मुसलमानों ने क्या, मुसलमानों ने एक ग्रुप बनाया और वो उन्होंने मीटिंग की किससे, लॉर्ड मिंटो से इन 1906, जिसकी क्यादत कौन कर रहे थे, सर आगा। उन्होंने क्या किया उस मीटिंग में, ने क्या किया, अपनी डिमांड्स एंड प्लेस देयर डिमांड्स फॉर अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड थी ना वो किसके सामने रखती, लॉर्ड मिंटो के सामने रखती। तो और भी बहुत सी डिमांड की थी लेकिन जो मेजर उनकी डिमांड थी वो थी कि हमें सेपरेट वोट का हक दे दिया जाए। तो ये भी एक रीज़न, इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न थी जिसको आप काउंट कर सकते हो, लेकिन जो इससे रेलिवेंट जो रीज़न थी वो यही थी कि जिसकी वजह से रिफॉर्म्स करनी पड़ी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लॉर्ड जॉन मॉर्ले, हम क्योंकि पढ़ रहे हैं मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, तो हमें उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये मॉर्ले कौन था और मिंटो कौन था। तो अब पढ़ते हैं जॉन मॉर्ले कौन थे। बार्न ऑन 24 दिसंबर 1838, ये कब पैदा हुए थे, 24 दिसंबर 1828 को, और ये कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया था। डाई कब हुए, ऑन 23rd सितंबर 1923 में, वन ऑफ द चीफ लीडर ऑफ द रिफॉर्म ऑफ 1909। तो मेजर पर्सन हम कह सकते हैं कि ये था 1909 की रिफॉर्म्स में, मिंटो मार्ले रिफॉर्म में ये एक मेजर पर्सन था। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉर्ड मिंटो के बारे में। अब लॉर्ड मिंटो कौन था, वायसराय ऑफ इंडिया था, इसने रिप्लेस किया था लॉर्ड कर्जन को, क्योंकि इससे पहले जो कौन था वायसराय वो था लॉर्ड कर्जन, ये वो अब ये 1909 में वायसराय ऑफ इंडिया था। ग्रैंडसन ऑफ द फॉर्मर जनरल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये किसका ग्रैंडसन था जो इससे पहले गवर्नर जनरल था उसका। लॉर्ड मिंटो हैज टू असैसिनेटेड अटेम्प्ट बिफोर ही बिकम वायसराय, तो इस पर दो दफ़ा अपने कातिलाना हमला भी हुआ, इसे कत्ल करने की कोशिश की इसके वायसराय बनने से पहले। अब हमें पता चल गया मिंटो कौन था, मिंटो कौन था, वायसराय ऑफ इंडिया था, और मॉर्ले कौन था, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया था। अब नेक्स्ट मूव करते हैं मेजर टॉपिक पर, मेन अपने टॉपिक पर, कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म है क्या, कैसे हुई, कब वाकया हुई। तो हम देखते हैं, जो लॉर्ड मॉर्ले अनाउंस दैट हिज गवर्नमेंट वांट टू इंट्रोड्यूस न्यू रिफॉर्म फॉर इंडिया। अब लॉर्ड जो मॉर्ले था ना सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या अनाउंस किया कि हम क्या करने लगे हैं, रिफॉर्म्स लेके आने लगे हैं इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में। इन इट लोकल वर टू बी गिवन मोर पावर, वो पहले किसके पास थी, लोकल्स के पास पावर नहीं थी, पहले तो ब्रिटिश के पास सारी पावर थी। तो उन्होंने कहा हम क्या करने लगे हैं, लोकल्स को पावर्स को इंक्रीज करने लगे हैं, किसमें, लेजिस्लेटिव अफेयर में, मतलब कानून साज असम्बलियों में हम उनकी जो पावर है, उनके मेंबर हैं, उनको इंक्रीज करने लगे हैं ताकि वो अपने कानून खुद बना सके। अ सीरीज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट बिटवीन लॉर्ड मिंटो एंड लॉर्ड मॉर्ले, तो इसी सिलसिले में फिर लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मॉर्ले की बातचीत होना शुरू हो गई, और उन्होंने क्या किया, अ कमेटी वॉज अपॉइंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रपोज अ स्कीम ऑफ रिफॉर्म। तो इसी सिलसिले में फिर उन्होंने एक कमेटी बनाई जो क्या कमेटी तश्कील की, इनके वो स्कीमा बताएं कि हम किस तरह से रिफॉर्म्स करें। फिर दिस एक्ट ऑफ 1909 वाज पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, फिर उन्होंने जब एक कमेटी बनाई और एक स्कीमा सामने पेश किया, तो वो उन्होंने किसके किसको, क्योंकि ना तो सेक्रेटरी स्टेट के पास कोई इख्तियार था होता है डिसीजन मेकिंग का, और ना ही वायसराय के पास कोई इख्तियार होता है, तो वो कहाँ अपने, जब भी उन्होंने कोई अमेंडमेंट या कोई कानून पास करवाना होता था तो वो कहाँ भेजते थे, इन्होंने जब कमेटी बनाई उन्होंने फिर वो ये जो रिफॉर्म्स थी ना, ये इसका सारा जो स्कीमा इन्होंने सेट किया था वो सारा कहाँ भेज दिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेज दिया। तो फिर ये जो एक्ट था वो 1909 में पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इज नोन एज मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, और इसको हम कहते हैं ये क्या थे, इसको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म कहते हैं। मार्ले मिंटो रिफॉर्म वॉज अनदर नेम ऑफ इंडियन कौंसिल एक्ट ऑफ 1909। जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म है उसका दूसरा नाम क्या है, इंडियन कौंसिल एक्ट ऑफ 1909। अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन
इंडियन कौंसिल एक्ट ऑफ 1909, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सेम ही क्वेश्चन है और यही मटेरियल आपने उसी में भी लिखना है। बस उसका नाम है, उसके दो नाम है इस रिफॉर्म के, एक हम कहते हैं मिंटो मांडले रिफॉर्म और दूसरा है इंडियन कौंसिल एक्ट ऑफ 1909। अब इट वॉज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम दैट ब्रॉट अबाउट अ लिमिटेड इंक्रीज इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन इन द गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब ये क्या एक ऐसा एक्ट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया, जिसका मकसद क्या था कि हमने इंक्रीज करना है इन्वॉल्वमेंट किन की, इंडियन की, किस में, ब्रिटिश गवर्नेंस में या ब्रिटिश इंडिया के जो गवर्नेंस है उसमें, हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमने ब्रिटिश इंडिया पीपल्स को लेके आना है। द एक्ट वाज अ रिलेटिवली शॉर्ट डॉक्यूमेंट, ये एक बिल्कुल छोटा सा डॉक्यूमेंट है जो कंसिस्ट था 8 आर्टिकल्स एंड 2 स्केचुल्स एंड वाज रिटन इन अ लीगल स्टाइल। ये जो डॉक्यूमेंट था ये 8 आर्टिकल और 2 स्केचुल पर मुश्तमिल था और ये रिटन फॉर्म में था, क्योंकि जब भी कोई एक्ट बन जाता है और वो हम किसे कहते हैं बिल, बिल ये ड्राफ्ट नहीं है ये, क्योंकि ये एक्ट पास हो चुका है, ये एक बिल बन चुका है होता है, और जब वो बिल बन जाता है तो वो रिटन फॉर्म में होता है। और इसे किस स्टाइल में लिखा गया था, लीग स्टाइल में लिखा गया था, लीगल था ये, कानूनी था। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं फीचर ऑफ मिंटो मार्ले रिफॉर्म, मीन्स अब एक कमेटी बन गई, अब देखते हैं उस कमेटी, वो कमेटी बनी और उसने क्या क्या फीचर लिखे, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी उस रिफॉर्म्स में। तो जो फर्स्ट थी वो थी द नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर वाज इंक्रीज फ्रॉम 16 to 60। मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, मरकजी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो लेजिस्लेटिव सेंटर के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मेंबर्स को इंक्रीज कर दिया जाए 16 से 60 कर दिया जाए। दूसरा, द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव वाज आल्सो इंक्रीज। पहले उन्होंने कहा कि सेंटर के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मेंबर्स को इंक्रीज किया जाए, उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव है उसके मेंबर्स को भी इंक्रीज किया जाए। इट वॉज फिक्स, उन्होंने फिक्स कर दिया एज 50 इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल मद्रास एंड बम्बे, जो बड़े सूबे हैं वहाँ 50 होंगे, एंड द फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रोविंस इट वॉज 30, और जो छोटे सूबे हैं उसमें से कितने 30 मुकर्रर किए जाएंगे। अब राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वॉज गिवन टू द मुस्लिम। अब इस एक्ट की जो सबसे बड़ी मुसलमानों की अचीवमेंट थी, जो मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी बात थी, वो थी मुसलमानों को सेपरेट वोट का हक दे दिया गया था कि वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको खुद खुद इलेक्ट कर सकते हैं, खुद नॉमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका फीचर था, एट द सेंटर, मतलब ऑफिशियल मेंबर वर टू फॉर्म द मेजोरिटी। सेंटर में ना ऑफिशियल मेंबर होंगे, सरकारी जो पर्सन होंगे ना उनकी मेजोरिटी होगी, बट इन प्रोविंस नॉन ऑफिशियल मेंबर वुड बी इन मेजोरिटी। और लेकिन जो प्रोविंस है वहाँ पर नॉन ऑफिशियल जो मेंबर होंगे ना उनकी मेजोरिटी होगी। ये नहीं कि अब सेंटर में भी ऑफिशियल मेंबर ही मेजोरिटी में हो और प्रोविंस में भी। उन्होंने कह दिया कि सेंटर में तो ऑफिशियल मेंबर की मेजोरिटी होगी लेकिन प्रोविंस में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजोरिटी होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, अब क्या इनके फ्यूचर थे, वो थे द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज वर परमिटेड टू डिस्कस द बजट, सजेस्ट द अमेंडमेंट एंड इवन टू वोट ऑन देम। और फिर जो मेंबर है लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनको इजाज़त होगी कि वो बहस कर सकते हैं बजट पर, उनमें अमेंडमेंट किसी किस्म के अगर चेंजिंग्स वगैरह वो करवा सकते हैं, एंड इवन वोट भी पास कर सकते हैं अगर वो सही से बजट पास नहीं हुआ या उनको लग रहा है कि वो नहीं, तो वो 1/3 मेजोरिटी में उसको नल एंड वाइड भी करवा सकते हैं कि ये वोट, ये बजट हम सेटिस्फाई नहीं है, तो उस पर वोट भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो फीचर था, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया है, जो सेक्रेटरी है उसके पास इम्पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मद्रास एंड बम्बे फ्रॉम 2 to 4। अब जो सेक्रेटरी है उसके पास पावर है कि वो जो बड़े सूबे हैं मद्रास एंड बम्बे उसके लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है सॉरी, उसके मेंबर्स को इंक्रीज कर सकता है, उसमें 2 या 4 और बंदे लेके आ सकता है। 2 इंडियन वर नॉमिनेटेड टू द काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया। अब दो जो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया है ना उसके काउंसिल में 2 इंडियन भी होंगे। द गवर्नर जनरल वॉज इम्पावर टू नॉमिनेट 1 इंडियन
टू देयर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और जो गवर्नर जनरल है उसके पास पावर है कि वो नॉमिनेट कर सकते हैं एक इंडियन को अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, अपने कानून अपने काउंसिल में, ताकि वो फैसला कर सके। फिर मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट वर आल्सो डिस्कस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स हैं ना उनको भी डिस्कस किया जा सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, क्योंकि इससे पहले ये चीज़ें नहीं थी होती। और फिर उन्होंने एक रिफॉर्म बनाई, एक एक्ट बनाया जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी गई कि ये आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके फीचर क्या है। इंडिया वर्ड गिवन मेंबरशिप टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। अब इंडियन जो थे, इंडियन मीन्स इंडिया में हिंदू मुस्लिम जो भी थे, उनको फर्स्ट दफ़ा परमिशन मिली थी कि वो किसका पार्ट बन सकते हैं, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का। नेक्स्ट जो थी, नो डिस्कशन ऑन फॉरेन पॉलिसी, और एक ये भी इसमें शर्त रखी गई, एक ये भी इसका फीचर था कि आप फॉरेन पॉलिसी पर बात नहीं कर सकते, आर और आन रिलेशन विद द प्रिंसली स्टेट विद प्रिमिटेड, और हम क्या रिलेशन है प्रिंसली स्टेट का हमारे साथ, मतलब तो वो भी आप इसको यह लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिस्कस नहीं कर सकते। इस दो चीज़ों पर उन्होंने क्या कर दी थी, वो उसे परमिशन ही नहीं थी दिया, इस पर उन्होंने कहा था आप बात नहीं कर सकते, परमिशन नहीं थी दी हुई। फिर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, बोथ एट सेंटर एंड प्रोविंस, उनको चार कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, वर टू बी डिवाइड अप फोर कैटेगरीज। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर हैं उनको चार कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट जो कैटेगरी थी वो थी एक्स ऑफिस मेंबर। अब एक्स ऑफिस मेंबर कौन से हैं, गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसमें एक्स ऑफिस वो होंगे। अब फिर इसके बाद नॉमिनेट ऑफिशियल मेंबर, अब नॉमिनेट ऑफिशियल मेंबर में कौन से लोग होंगे जिसे गवर्नर जनरल अपॉइंट करेगा, लेकिन वो कौन होंगे, ऑफिशियल मेंबर होंगे, बस सरकारी पर्सन होंगे, तो ये होगी दूसरी कैटेगरी नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर। अब थर्ड जो कैटेगरी थी वो थी नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर, अब इसमें कौन थे, गवर्नर जनरल क्या करेगा, नॉमिनेट करेगा, लेकिन वो क्या होने चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं होने चाहिए, वो आम पर्सन होने चाहिए, कोई भी हो सकता है, तो वो नॉन ऑफिशियल होने चाहिए। अब जो फोर्थ कैटेगरी थी वो थी इलेक्टेड मेंबर, जिसे अवाम खुद नॉमिनेट करेगी, इलेक्ट बाय डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंडियन पीपल, जो जिसे पीपल्स खुद करेंगे, अब वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो फोर्थ कैटेगरी थी उसमें वो लोग होंगे। ये सारे फीचर थे। अब देखते हैं, अब ये अमेंडमेंट हो गई है, मतलब ये कानून पास हो गई, एक्ट बन गया, अब इस पर कांग्रेस का रिएक्शन क्या है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कांग्रेस डिवाइड हो चुकी हुई थी दो ग्रुप्स में, अब देखते हैं, कांग्रेस वॉज डिवाइड इंटू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स हैं, एक मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट। जो मॉडरेट थे वो ज़रा बर्दाश्त करने वाले थे, समझदार थे, पढ़े लिखे हुए थे, और दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट थे जो थोड़े जारहाना थे, मतलब जुल्म सितम और इस तरह, वो इस बात पर ज़्यादा अग्रेसिव थे थोड़े, मतलब उनको गुस्सा जल्दी आ जाता था, इस तरह के थे मतलब। तो द मॉडरेट एग्री विद द रिफॉर्म सेइंग दैट इट वाज सेव द कंट्री फ्रॉम अनआर्थी एंड जो, तो अब जो मॉडरेट थे ना वो कह रहे थे ये ठीक है, हमारा मुल्क वन मैन गवर्नमेंट से बच जाएगा इससे। तो दूसरी तरफ जो एक्सट्रीमिस्ट थे, ऑन द अदर हैंड द एक्सट्रीमिस्ट वर नॉट इन द फेवर ऑफ दीज रिफॉर्म, तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो मान ही नहीं थे रहे, वो कह रहे थे हमने नहीं माना इस रिफॉर्म को, हम नहीं तस्लीम करते। तो इससे फिर उनकी और अपराइजिंग शुरू हो गई थी, उन्होंने और प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर दी थी। अब देखते हैं, अब कांग्रेस का रिएक्शन ये था, अब मुसलमानों का क्या रिएक्शन था इसमें, मुस्लिम लीग रिएक्शन टू ऑल द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वेलकम द काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, उन्होंने कहा, उन्होंने वेलकम किया, मुसलमानों ने वेलकम किया, द लीग पास अ रेजोल्यूशन, और इस लीग ने ये जो तहरीक थी इन्होंने फिर एक रेजोल्यूशन पास की जिसमें उन्होंने क्या कहा, विच ऑफर्ड कॉपरेशन विद द गवर्नमेंट फॉर द सक्सेस ऑफ द रिफॉर्म, उन्होंने क्या कहा कि हम लोग कॉपरेट करो ताकि ये जो रिफॉर्म आई है उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन इस पर हो सके, इसे इंट्रोड्यूस करवा सके। इन द दिल्ली सेशन इन 1910, जब उनका सेशन हो रहा था 1910 में दिल्ली में, तो उन्होंने वहाँ पर ये कहा, मुसलमानों ने कहा कि हुकूमत के साथ कॉपरेट किया जाए ताकि वो इसको इम्प्लीमेंट करवा सके, ताकि वो इसको प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करवा सके। तो ये थी मिंटो मार्ले रिफॉर्म। सो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर आपको किसी किस्म का कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन हो, या आप कोई हमें टॉपिक बताना चाहें कि हम कौन सा टॉपिक नेक्स्ट कवर करें, तो आप बता सकते हो।
सो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।